गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। बच्चों आज का हमारा टॉपिक है बेटा डाइलेक्ट्रिक्स। डाइलेक्ट्रिक्स को बेटा आज हम लोग स्टडी करने वाले हैं। क्या होता है डाइलेक्ट्रिक बेटा, मैं थोड़ा सा इसके बारे में बता देता हूँ, बाकी हम जानकारी लेंगे टॉपिक के अंदर। डाइलेक्ट्रिक मटेरियल का मतलब है, एक तो इसका काम होता है बेटा प्लेट्स को एक फाइनाइट गैप प्रोवाइड करना। कैसे? जैसे आपने देखा बेटा कि कैपेसिटर के केस में एक प्लेट पर पॉजिटिव चार्ज, एक प्लेट पर नेगेटिव चार्ज। अगर ये दोनों प्लेट बच्चों फ्री हुई मूवमेंट करने के लिए, तो आपको पता है कोलैप्स कर जाएंगी। समझ लो पॉजिटिव और नेगेटिव में क्या हुआ, अट्रैक्शन, तो कोलैप्स कर जाएगी। इसलिए इनके बीच में कोई ना कोई एक ऐसा मटेरियल होना चाहिए जो इन प्लेट्स को इसी जगह पर मेंटेन कर पाए। तो इस स्पेस को, जो वैकेंट स्पेस है, इसको हम लोग भरते हैं डाइलेक्ट्रिक मटेरियल से। तो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल का काम होता है बेटा प्लेट्स को एक फाइनाइट गैप प्रोवाइड करना, सबसे पहला काम। दूसरा काम है बेटा इसका कैपेसिटेंस को ग्रोथ कराना, कैपेसिटेंस को बढ़ाना। यानी कि डाइलेक्ट्रिक के फिलअप करने से दो फायदे होते हैं, एक तो बेटा प्लेटों को गैप मिल जाता है, दूसरा बच्चों कैपेसिटेंस बढ़ जाती है, तो डबल फायदा है। ठीक है, चलिए हम बेसिक जानकारी जुटाते बेटा इसके बारे में, डाइलेक्ट्रिक के बारे में। ठीक है, डाइलेक्ट्रिक मटेरियल, डाइलेक्ट्रिक्स। ये हम लोग आज स्टडी करेंगे, सही है। डाइलेक्ट्रिक्स क्या है बेटा, तो डाइलेक्ट्रिक्स के बारे में बेटा क्या बोल सकते हो, द इंसुलेटर्स इन विच माइक्रोस्कोपिक लोकल डिस्प्लेसमेंट ऑफ चार्ज, इंसुलेटर्स इन विच माइक्रोस्कोपिक लोकल डिस्प्लेसमेंट ऑफ चार्ज टेक प्लेस इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड known as dielectrics, okay, known as dielectrics, okay, presence of electric field, समझ रहे हो बेटा, presence of electric field, okay, देखते हैं, okay, बच्चों क्या लिखा है, insulators in which local ये माइक्रोस्कोपिक डिस्प्लेसमेंट ऑफ चार्ज टेक प्लेस इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड नोन एज डाइलेक्ट्रिक्स। बेटा जैसे बात करें हम लोग माइक्रोस्कोपिक लोकल डिस्प्लेसमेंट, माइक्रोस्कोपिक मतलब बहुत स्मॉल लेवल पे, ऐसे नहीं कि मतलब आप देख रहे हैं खुद से कि एक चार्ज यहां जा रहा है, एक चार्ज का मूवमेंट ऐसे हो रहा, नहीं। माइक्रोस्कोपिक लोकल मतलब इसके इस तरफ मूवमेंट हो रहा है केवल, समझ लो, ऐसा नहीं कि एक मॉलिक्यूल से चार्ज यहां से कहीं दूसरी जगह मूवमेंट कर रहा है लैटिस के अंदर, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो लोकल समझ लो, लोकल मतलब आसपास में, ठीक है, इतना ही मूवमेंट होगा। ठीक है, इसके बाद बात करें डाइलेक्ट्रिक्स आर नॉन कंडक्टर्स, कंडक्टर्स अप टू अ सर्टेन वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, सर्टेन वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड डिपेंडिंग ऑन
नेचर ऑफ इट. डायलेक्ट्रिक्स आर नॉन कंडक्टर्स, समझ रहे हो. अप टू ए सर्टेन वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड डिपेंडिंग ऑन नेचर ऑफ इट, डिपेंडिंग ऑन इट्स नेचर. ओके, अब अगर बेटा फील्ड की वैल्यू बढ़ जाती है, इफ इफ वैल्यू, बात करें बेटा, डाइलेक्ट्रिक्स आर नॉन कंडक्टर्स अप टू ए सर्टेन वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. बेटा एक पर्टिकुलर वैल्यू तक, इलेक्ट्रिक फील्ड की एक पर्टिकुलर वैल्यू तक तो ये कैसे है, नॉन कंडक्टर्स. ठीक है, समझ लो. अगर इफ वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सीड्स दिस लिमिटिंग वैल्यू known as dielectric strength. Then देखो ध्यान से बेटा क्या लिखा हुआ यहां पर, dielectrics are non conductors up to a certain value of electric field. एक पर्टिकुलर वैल्यू तक तो बेटा ये नॉन कंडक्टर ही रहेगा, समझ लो, डिपेंडिंग ऑन इट्स नेचर. If value of electric field exceeds this limiting value known as dielectric strength, they lose okay. तो बच्चों क्या है आगे देखो, dielectrics are non-conductors up to a certain value of electric field. नॉन कंडक्टर की तरह वर्क करेंगे एक पर्टिकुलर वैल्यू तक इलेक्ट्रिक फील्ड की, डिपेंडिंग ऑन इट्स नेचर, यानी हर डायलेक्ट्रिक के लिए वैल्यू अलग अलग होगी इलेक्ट्रिक फील्ड की. इफ द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सीड्स इट्स लिमिटिंग वैल्यू नोन एज डायलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, नोन एज डायलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, they lose their insulating property and begin to conduct. बेटा वापस सुनेंगे एक बार, क्या लिखा है यहां पर, dielectrics are non conductors up to a certain value of electric field depending on its nature. If value of electric field exceeds this limiting value known as dielectric strength, they lose their insulating property and begin to conduct, और conduct करना start कर देते हैं. ठीक है, चलिए अब सर ये चीज क्या है dielectric strength, तो यहां पर मैं बेटा मैं यहां पर एक चीज लिख देता हूं, dielectric strength is defined as maximum value of electric field that a dielectric can withstand without breakdown. यूनिट, इसकी यूनिट हो जाएगी बेटा वोल्ट पर मीटर. सही है, डायलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ डिफाइंड एज अ मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड
दैट ए डाइलेक्ट्रिक कैन विदस्टैंड विदाउट ब्रेक डाउन, बिना ब्रेक डाउन के कोई भी डाइलेक्ट्रिक मटेरियल, समझ लो कितना इलेक्ट्रिक फील्ड टॉलरेट कर सकता है, कितना इलेक्ट्रिक फील्ड उस पर अप्लाई किया जा सकता है विदाउट ब्रेक डाउन। थोड़ा सा मैं यहाँ पर ब्रेक डाउन के बारे में एक छोटी सी चीज बता देता हूँ। देखो ब्रेक डाउन का मतलब क्या है, इससे थोड़ा सा और हमें क्लियर हो जाए बेटा। जैसे मान लो एक मटेरियल के अंदर एक डायपोल है, डायपोल ये चार्ज है नेगेटिव, ये चार्ज है पॉजिटिव। जैसे ही बेटा हमने यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते पॉजिटिव चार्ज पर फोर्स लगना स्टार्ट हो जाएगा ऐसे, और नेगेटिव चार्ज पर फोर्स लगना स्टार्ट हो जाएगा ऐसे। अगर हम इसको बोले क्यू ई, तो इसको हम बोल सकते हैं क्यू इंटू ई, यानी कि इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से, इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से बेटा ये जो डायपोल है वो स्ट्रेच होना चाहेगा, समझ लो। इस इलेक्ट्रिक फील्ड की बेटा जो अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड है बच्चों, इसकी वजह से डायपोल जो है वो स्ट्रेच होना चाहेगा। अब आपको पता है जैसे जैसे बेटा फील्ड की वैल्यू बढ़ाओगे तो इस डायपोल का जो स्ट्रेचमेंट है वो इंक्रीज होता जाएगा, स्ट्रेचमेंट बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा। एक पर्टिकुलर वैल्यू पर इलेक्ट्रिक फील्ड की पर्टिकुलर वैल्यू पर ये जस्ट ब्रेक होने वाला होगा, ये डायपोल जो है वो टूटने वाला होगा, उसको बोलते हैं डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। क्या बोलेंगे उसको, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ऑफ दिस डायपोल, या डायपोल जिस मटेरियल का है उस मटेरियल की डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। क्लियर। अच्छा तो बेटा हमने क्या लिखा है यहां पर, देखो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ इज डिफाइंड एज अ मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड दैट अ डाइलेक्ट्रिक कैन विदस्टैंड विदाउट ब्रेक डाउन, बिना ब्रेक डाउन के ये कितना इलेक्ट्रिक फील्ड टॉलरेट कर सकता है, दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इज नोन एज डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। क्लियर। चलिए अब हम बच्चों डाइलेक्ट्रिक्स को डिवाइड कर देते हैं, कितने पार्ट्स में डाइलेक्ट्रिक, कितने पार्ट्स, कितने टाइप का होता है, कितने पार्ट्स में इसको हम डिवाइड कर सकते हैं। तो दो टाइप के डाइलेक्ट्रिक्स बेटा हम स्टडी करेंगे, पोलर डाइलेक्ट्रिक एंड नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक। सर पोलर डाइलेक्ट्रिक्स कौन से होते हैं, नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक कौन से होते हैं। आई होप आप यहां तक समझ गए होंगे व्हाट इज अ डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, समझ लो। तो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ का क्या मतलब बेटा, जैसे जैसे हम इस डायपोल पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू इंक्रीज करेंगे इसके अंदर स्ट्रेचमेंट इंक्रीज होता जाएगा, और एक पर्टिकुलर वैल्यू पर इसका ब्रेकडाउन होने वाला, वो ये टूटने वाला होगा, उस मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज नोन एज डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। सही है। चलिए अब हम इसका करते हैं क्लासिफिकेशन, यानी कि दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, पोलर एंड नॉन पोलर। चलिए बात करते हैं यार नेक्स्ट। अब बेटा इस डाइलेक्ट्रिक को कितने पार्ट्स में सर डिवाइड किया गया है, डाइलेक्ट्रिक को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया बेटा, डाइलेक्ट्रिक्स दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं इसको, पोलर डाइलेक्ट्रिक एंड नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक। क्लियर। चलिए बेटा अब डाइलेक्ट्रिक्स, कौन कौन से, एक तो बेटा पोलर डाइलेक्ट्रिक, पोलर, दूसरा नॉन पोलर। ओके
सबसे पहले बेटा हम स्टडी करेंगे कौन से, पोलर डाइलेक्ट्रिक्स। पोलर डाइलेक्ट्रिक पोलर डाइलेक्ट्रिक्स क्या होते हैं? तो बेटा पोलर डाइलेक्ट्रिक के अंदर, पोलर डाइलेक्ट्रिक के अंदर जो पॉजिटिव चार्ज है और नेगेटिव चार्ज का जो सेंटर होता है वो अलग अलग जगह पर होगा, एक ही पॉइंट पर नहीं होगा, जिसकी वजह से यहां पर एक डायपोल मूवमेंट बन जाता है। समझ रहे हो? तो पहले मैं आपको डायग्राम से बना के बता रहा हूं, ठीक है। तो पोलर डायपोल, पोलर डाइलेक्ट्रिक्स का क्या मतलब है बेटा, ये पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज, तो इसमें एक डायपोल मूवमेंट बन जाता है, नेगेटिव टू पॉजिटिव एक डायपोल मूवमेंट, एक इधर नेगेटिव पॉजिटिव डायपोल मूवमेंट इस तरफ, ये नेगेटिव पॉजिटिव डायपोल मूवमेंट इस तरफ, रेंडम ऑर्डर बोल सकते हैं हम इसको, कोई भी ऑर्डर हो सकता है, पॉजिटिव नेगेटिव डायपोल मूवमेंट इस तरफ, ये इधर नेगेटिव पॉजिटिव डायपोल मूवमेंट इस तरफ, ये नेगेटिव पॉजिटिव डायपोल मूवमेंट इस तरफ, नेगेटिव पॉजिटिव डायपोल मूवमेंट इस तरफ, ये नेगेटिव पॉजिटिव डायपोल मूवमेंट इस तरफ, नेगेटिव पॉजिटिव डायपोल मूवमेंट इस तरफ, ठीक है बेटा। ये है पोलर डाइलेक्ट्रिक्स की बात कर रहा हूं, पोलर डाइलेक्ट्रिक्स मटेरियल के अंदर की स्ट्रक्चर की बात कर रहा हूं कि ऐसा कुछ देखने को मिलता है, डायपोल मूवमेंट नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव टू पॉजिटिव। इसमें जो डाइपोल्स हैं वो रेंडमली ऑर्डर्ड हैं, मतलब किसी भी ऑर्डर में हो सकते हैं। यहां पर जब हमने इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो लगाया है, यहां पर बेटा जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है जीरो है, यानी अभी मैंने इसे मटेरियल को इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर नहीं रखा है, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है। तो इस केस में बेटा क्या होता है, एवरी मॉलिक्यूल हैव अ डायपोल मूवमेंट। बेटा हर मॉलिक्यूल का एक डायपोल मूवमेंट, देखो इसका इधर है, इसका इधर है, नेगेटिव टू पॉजिटिव होता है डायपोल मूवमेंट। तो एवरी मॉलिक्यूल हैव अ परमानेंट डायपोल मूवमेंट, बट हम ऐसा देखते हैं कि एवरेज डायपोल मूवमेंट पर यूनिट वॉल्यूम इज जीरो, यानी कि यूनिट वॉल्यूम का जो एवरेज डायपोल मूवमेंट है वो कैसा आता है, जीरो होता है। तो हम क्या बोल सकते बेटा, एवरेज डायपोल मूवमेंट पी एवरेज पर यूनिट वॉल्यूम इज जीरो। बेटा एवरेज डायपोल मूवमेंट पर यूनिट वॉल्यूम इज जीरो इन एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, जब हमने इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं लगाया है, समझ रहे हो। तो अब हमें यहां की कुछ बेसिक बातें लिखनी है बेटा, क्या बेसिक बातें, इन केस ऑफ पोलर डायलेक्ट्रिक डायलेक्ट्रिक मटीरियल पॉजिटिव सेंटर्स एंड नेगेटिव सेंटर्स डू नॉट कॉन्साइड विद ईच अदर, देयरफॉर एवरी मॉलिक्यूल हैव ए परमानेंट डायपोल मूवमेंट एंड एवरेज डायपोल मूवमेंट पर यूनिट वॉल्यूम इज जीरो इन एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। जैसे बेटा हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं, यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं, सपोज यहां पर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दिया इस तरीके से, जैसे बेटा हमने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया तो ये जितने डायपोल्स हैं वो सब अपने आप को बेटा ऑर्डर्ड, मतलब अपने आप को अलाइन कर लेते हैं इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अब कोई भी रेंडम ऑर्डर में नहीं रहेगा, किसी भी रेंडम ऑर्डर में नहीं रहेगा। ये तो ऑफिस की चाबी है और मैं वहां अंदर ही रखी होगी। बच्चों यहां पर इस तरीके से ये डायपोल्स ऐसे ऑर्डर्ड हो जाएंगे, नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, इस तरीके से। बच्चों ये इधर क्यों हो जाएंगे, क्योंकि पॉजिटिव पे फोर्स इधर लगेगा, नेगेटिव पर इधर लगेगा। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस में जितने भी डायपोल्स हैं उन्होंने अपने आप को अलाइन कर लिया इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ओके। वैसे अगर मैं आपको एक हिडन बात बता दूं, यहां पर परफेक्ट अलाइनमेंट नहीं हो पाता है। परफेक्ट अलाइनमेंट मतलब ये जो डायपोल्स है बेटा वो पट इस 100% इस डायरेक्शन में नहीं हो पाते हैं, बट आप अपने लेवल पे यही बोलोगे कि ये अलाइन कर लेते, सारे डायपोल्स जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में अलाइन हो जाते हैं, बिकॉज यहां पर थर्मलाइजेशन की वजह से
भाई थर्मलाइजेशन, थर्मल वाइब्रेशन समझ लो, मॉलिक्यूल्स क्या करते रहेंगे, वाइब्रेट करते रहेंगे, तो 100% अलाइनमेंट पॉसिबल नहीं है। बट आप लोग क्या सोच, क्या बताओगे कि जैसे हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं पोलर डायलेक्ट्रिक मटेरियल पर, तो मटेरियल के अंदर जो डायपोल्स हैं वो खुद को इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में क्या कर लेते हैं बेटा, अलाइन कर लेते हैं, समझ रहे हो। चलिए तो ये इसकी बातें हैं। अब इसके बारे में हम लोग लिख देते हैं यहां पर पोलर डायलेक्ट्रिक्स के बारे में, ठीक है। तो क्या लिख सकते बेटा यहां पर, इन द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इन द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड सेंटर्स ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज डू नॉट कॉन्साइड ऑफ दीज एटम और मॉलिक्यूल ड्यू टू असिमेट्रिक शेप। ओके, असिमेट्रिक शेप बेटा क्या लिखा है, इन द एबसेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड सेंटर्स ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज डू नॉट कॉन्साइड ऑफ दीज एटम और मॉलिक्यूल्स ड्यू टू असिमेट्रिक शेप। बेटा नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज के सेंटर आपस में कॉन्साइड नहीं करते हैं, समझ रहे हो, जिसकी वजह से डायपोल मोमेंट बन जाता है, क्लियर। चलिए सेकेंड पॉइंट इसके अंदर हम लोग क्या लिख सकते हैं बेटा, एवरी मॉलिक्यूल हैज अ परमानेंट डायपोल मूमेंट। सही है, कितना होएगा बेटा, परमानेंट डायपोल मूमेंट। और एवरेज डायपोल मूमेंट कितना आ जाएगा बेटा, समझ रहे हो, एवरेज डायपोल मूमेंट कितना आ जाएगा, ओके। अब हम नेक्स्ट पॉइंट क्या लिख सकते बेटा इसके अंदर, इन एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या बोल सकते हैं, इन एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड डायपोल्स आर रैंडमली ओरिएंटेड सो एवरेज डायपोल मूमेंट पर यूनिट वॉल्यूम इज जीरो। बेटा क्या होता है, जीरो हो जाता है, मैंने बता दिया आप लोगों को यहां पर। नेक्स्ट पॉइंट यहां लिख दे रहा हूं, नेक्स्ट पॉइंट के बारे में, जैसे बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हो क्या हो जाता है, इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड डायपोल्स अलाइंस इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। एग्जाम्पल के तौर पर हम लिख सकते हैं यहां पर वॉटर, एल्कोहल, NH3 ETC। सही है,
तो बेटा पोलर डाइलेक्ट्रिक का क्या मतलब था और नॉन पोलर का क्या मतलब वो हम समझेंगे, ठीक है। यहां पर क्या था बेटा, सेंटर्स ऑफ पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज डू नॉट कॉइंसाइड, देयरफॉर एवरी मॉलिक्यूल हैज अ परमानेंट डाइपोल मोमेंट, बट ओवरऑल देखे पर यूनिट वॉल्यूम डाइपोल मोमेंट विल बी जीरो इन एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, बट जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे यहां पर डाइपोल मोमेंट आएगा। क्यों बेटा, सभी डाइपोल्स कैसे हो गए, सभी का डाइपोल मोमेंट किधर आ गया, डाइपोल मोमेंट इधर, डाइपोल मोमेंट इधर, डाइपोल मोमेंट इधर, तो अब डाइपोल मोमेंट जीरो नहीं हो पाएगा। डाइपोल मोमेंट जीरो सिर्फ कब हो सकता है बेटा, जब एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड हो, तो एवरेज डाइपोल मोमेंट कितना होता है इस केस में, जीरो। क्लियर, ये बेटा हमने जो स्टडी किया है वो किसके बारे में, पोलर डाइलेक्ट्रिक्स के बारे में। अब बच्चों हम बात करेंगे नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक के बारे में, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं बच्चों नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक के बारे में, सही है, नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक की बात करते हैं। थोड़ा थ्योरेटिकल पोर्शन है बच्चों ये, पर ये सीखना जरूरी है यार। अब बच्चों नॉन पोलर में इसके रिवर्स आ जाएंगे नंबर्स, जो पॉइंट्स लिखे हम लोगों ने ये रिवर्स हो जाएंगे इन केस ऑफ नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक। ओके डियर स्टूडेंट्स, चलिए तो बात करते हैं यार नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स की, नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स। ओके नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स बेटा, नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स की अगर हम बात करें यार, तो यहां पर क्या आएगा बेटा, अब नॉन पोलर में, तो नॉन पोलर बच्चों हम लोग क्या लिख सकते हैं बेटा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के एब्सेंस में प्रेजेंस में क्या होता है, तो मैं यहां पर पहले डायग्राम बना रहा हूं बेटा। एक्चुअल में इनकी जो शेप होती है वो सिमेट्रिकल होती है, ये ऐसे शेप, यहां पर बेटा सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज क्या होते हैं, कॉन्साइड होते हैं, ये सिमेट्रिक, वहां असिमेट्रिक शेप थी, यहां सिमेट्रिक। तो जब बेटा एक ही जगह पर पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज के सेंटर हो गए, तो डायपोल मूवमेंट तो बनेगा नहीं, तो यहां पर क्या आने वाला बेटा, डायपोल मूवमेंट क्या आएगा, जीरो इन एब्सेंस, इन एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, सही है, एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बेटा एवरी मॉलिक्यूल, जैसे वहां पर क्या होता था, एवरी मॉलिक्यूल हैज अ डायपोल मोमेंट, बट यहां पर एवरी मॉलिक्यूल हैज नो डायपोल मोमेंट, इसका कोई डायपोल मोमेंट है नहीं, तो टोटल ओवरऑल क्या आएगा बेटा, डायपोल मोमेंट विल बी जीरो इन एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। लेकिन सर जैसे ही हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं फिर क्या होता है इसमें बच्चों, जैसे ही हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो इसके जो सेंटर्स हैं वो स्ट्रेच होते हैं, सेंटर्स क्या हो जाते हैं, स्ट्रेच हो जाते हैं। मान लेते हैं यार इलेक्ट्रिक फील्ड है इस तरफ, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं इस डायरेक्शन में, तो बच्चों ये जो सर्कल्स बन रहे थे, तो यहां पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज सेंटर एक ही जगह था, अब इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने से क्या होता है, ये स्ट्रेच हो जाते हैं और स्ट्रेच होकर बेटा कुछ ऐसी शेप में आ जाते हैं, यानी कि अभी इनका डायपोल मोमेंट जीरो था बेटा, एवरी मॉलिक्यूल हैज अ डायपोल मोमेंट आल्सो जीरो, मटेरियल का डायपोल मोमेंट तो जीरो है बट एवरी मॉलिक्यूल हैज अ डायपोल मोमेंट आल्सो जीरो। जैसे पोलर में क्या होता था, पोलर में
एवरी मॉलिक्यूल हैज ऑल्सो डाइपोल मोमेंट, बट यहां पर न मॉलिक्यूल का है न मटेरियल का है, बट जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करोगे ये बेटा क्या हो जाते हैं, स्ट्रेच हो जाते हैं। स्ट्रेच होने से यहां पर क्या क्रिएट हो जाता है, एक डायपोल मूवमेंट क्रिएट हो जाता है, या हम बोलते हैं इसको इंड्यूस हो जाता है। तो यहां पर बेटा डायपोल मूवमेंट क्रिएट हो जाता है एक इस मटेरियल पर, जैसे बेटा हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड इस पर अप्लाई करते हैं, समझ रहे हो। तो इसके बारे में बेटा हम लोग क्या क्या बातें लिख सकते हैं, तो सबसे पहली बात तो यही लिखते हैं अपन लोग, क्या इन एब्सेंस ऑफ इन एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, बेटा इन एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड सेंटर्स ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज कॉन्साइड ड्यू टू सिमेट्रिक शेप, सिमेट्रिक शेप, समझ लो। इन एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड सेंटर्स ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज कॉन्साइड कर जाते हैं, समझ लो। जब कॉन्साइड कर जाते हैं तो डायपोल मोमेंट कितना आता बेटा इसका, जीरो। तो हम सेकंड पॉइंट क्या लिख सकते बच्चों, डायपोल मोमेंट इन नॉर्मल कंडीशन इज जीरो। बेटा नॉर्मल सिचुएशन के अंदर डायपोल मोमेंट जो है वो कितना हो जाता है, जीरो आता है, ठीक है। मतलब इस केस में डायपोल मोमेंट कैसा आएगा, जीरो। अच्छा, जैसे ही बच्चों हम लोग यहां पे क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने से बेटा एक डायपोल मोमेंट क्या हो जाता है इसके अंदर, इंड्यूस हो जाता है, सही है। अच्छा, तो हम लोग क्या बोल सकते बेटा, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो क्या बोल सकते हैं, इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड दे एक्वायर अ डायपोल मोमेंट, दे एक्वायर डायपोल मोमेंट इन डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, सही है। अब इसके हम लोग बात करें यार एग्जाम्पल की, सर इसके एग्जाम्पल क्या दे सकते हैं, तो बच्चों इसके एग्जाम्पल लिख सकते हो नाइट्रोजन ऑक्सीजन बेंजीन, सही है, ये एग्जाम्पल हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है बेटा। ये हो गए बेटा कौन से, नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक, ठीक है। अब हम बात करते हैं बच्चों पोलराइजेशन की, दो बातें और रहेंगी छोटी छोटी, थ्योरेटिकल पोर्शन है आज का, अगर हम लोग इसका मैथमेटिकल पोर्शन बेटा नेक्स्ट क्लास में स्टडी करेंगे, तो आज इसके जो बेसिक बातें हैं थ्योरेटिकल पोर्शन है उसको और कवर कर लेता हूं, पोलराइजेशन एंड पोलराइजेशन वेक्टर। तो पहले इसको नोट कर देते हैं यार, ओके डियर स्टूडेंट्स। तो बात करते हैं यार हम लोग नेक्स्ट पोलराइजेशन की, सर ये पोलराइजेशन क्या है, पोलराइजेशन समझ रहे हो, पोलराइजेशन क्या है। तो बेटा पोलराइजेशन का मतलब जो डायपोल्स हैं वो अपने आप को अलाइन कर लेते हैं इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इसी को हम पोलराइजेशन बोलते हैं। तो क्या लिख सकते हैं, द अलाइनमेंट ऑफ
द अलाइनमेंट ऑफ डायपोल मूमेंट ऑफ परमानेंट और इंड्यूस्ड द अलाइनमेंट ऑफ डायपोल मूमेंट ऑफ परमानेंट और इंड्यूस्ड डायपोल्स इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, समझ लो, नोन एज पोलराइजेशन. बेटा तो अलाइनमेंट है, अलाइनमेंट जो है उसी को हम क्या बोलेंगे, समझ रहे हो, समझ जाओगे क्या बोल रहे हैं इसको बेटा. इंड्यूस्ड डायपोल्स इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज नोन एज पोलराइजेशन. ओके, क्या कह रहे थे, ओके डियर स्टूडेंट्स, तो पोलराइजेशन का मतलब क्या बेटा, अलाइनमेंट ऑफ डायपोल मोमेंट ऑफ परमानेंट और इंड्यूस्ड डायपोल्स इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. अब सोचो यार, डायपोल्स को जब रखते हो तो अलाइनमेंट किधर हो जाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में अलाइनमेंट हो जाता है. इस इवेंट को हम क्या बोल रहे हैं बेटा, पोलराइजेशन. अब आता है बेटा पोलराइजेशन वेक्टर. पोलराइजेशन वेक्टर, पोलराइजेशन वेक्टर हम क्या बोलते हैं इसको, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी विच describes the extent to which molecules of dielectric becomes polarized by an electric field बेटा क्या लिखा, इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी विच डिस्क्राइब्स द एक्सटेंट टू विच मॉलिक्यूल्स ऑफ डाइइलेक्ट्रिक बिकम्स पोलराइज्ड बाय एन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड गेट्स ओरिएंटेड इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. सही है बेटा, ये पोलराइजेशन वेक्टर आपको सामने क्या शो कर रहा है देख लीजिएगा आप लोग. इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी विच डिस्क्राइब्स द एक्सटेंट टू विच मॉलिक्यूल्स ऑफ डाइइलेक्ट्रिक बिकम्स पोलराइज्ड बाय एन इलेक्ट्रिक फील्ड, समझो, बाय एन इलेक्ट्रिक फील्ड और गेट्स ओरिएंटेड इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड. सही है. अब बात करें हम लोग, अब बेटा पोलराइजेशन वेक्टर, पोलराइजेशन वेक्टर ऑफ डाइइलेक्ट्रिक पर यूनिट वॉल्यूम देखिएगा ध्यान से बेटा. डायपोल मोमेंट कैसे निकालोगे, यूनिट वॉल्यूम में हमने लिख दिया n डायपोल्स हैं और एक डायपोल मोमेंट
एक का डायपोल मोमेंट कितना है पी, समझ रहे हो बच्चों। जैसे मैं यहां पर बात करूं आपसे कि भाई ये मान लो कैपेसिटर है और इसके बीच में डाइलेक्ट्रिक भर दिया आपने, तो डाइलेक्ट्रिक भरोगे तो रियलिटी में होगा क्या, थोड़ा सा यहां पे एक्सप्लेन कर दे रहा हूं। बेटा जैसे एक कैपेसिटर है यहां पर, इसके बीच में डाइलेक्ट्रिक भर दिया आपने, डाइलेक्ट्रिक मटेरियल, पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज, इनकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो जाता है यहां पर, और इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होने से यहां पर बन जाते हैं डायपोल्स, ऐसे ओरिएंट हो जाते हैं इस डायरेक्शन में, ओरिएंट हो गए, समझ लो। ये नेगेटिव चार्ज, ये पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, ये बेटा नेगेटिव पॉजिटिव, 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 ठीक है। अब बेटा इनमें से क्या होता है, ये पॉजिटिव नेगेटिव इफेक्ट एक दूसरे को कैंसिल्ड आउट, पॉजिटिव नेगेटिव कैंसिल्ड आउट, तो यहां एक लेयर बचती है नेगेटिव चार्ज की, यहां एक लेयर बचती है बेटा पॉजिटिव चार्ज की, तो फाइनल सिचुएशन कुछ ऐसे बन जाती है कि भाई ऐसे समझ लो कि मटेरियल है, ये मैंने मटेरियल दिखाया यहां पर, ये है मटेरियल बेटा, यहां पे चार्ज आ गया कैसा नेगेटिव, यहां चार्ज नेगेटिव और यहां चार्ज कैसा आएगा पॉजिटिव, ये माइनस क्यू इंड्यूस और क्यू इंड्यूस पॉजिटिव। अगर हम बात करें इनके बीच में गैप है डी और प्लेट एरिया सपोज ए, तो बेटा यहां पर जो डायपोल मूवमेंट लिखू मैं, डायपोल मूवमेंट बेटा ये क्या चीज है, पी इज अ डायपोल मूवमेंट पर यूनिट वॉल्यूम, पर यूनिट पोलराइजेशन वेक्टर पर यूनिट वॉल्यूम, तो कैसे फाइंड करेंगे बच्चा, टोटल डायपोल मूवमेंट बताओ, इंड्यूस डायपोल मूवमेंट बताओ कितना आएगा, देखो नेगेटिव चार्ज इधर है पॉजिटिव चार्ज इधर है, तो कितने डायपोल्स बनेंगे यहां पर, सर बहुत सारे डायपोल्स बन रहे होंगे इनके बीच में, तो टोटल चार्ज इधर देखें कितना है, Q इंड्यूस मल्टीप्लाई बाय D, दिस इज अ डायपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम A इंटू डी, डी ने डी कैंसिल कर दिया बेटा, तो क्या आ गया सिग्मा आई, सिग्मा आई मतलब इंड्यूस सरफेस चार्ज डेंसिटी, तो दिस इज अ इंड्यूस सरफेस चार्ज डेंसिटी, इंड्यूस्ड सरफेस चार्ज डेंसिटी, डेंसिटी, ठीक है ये। अरे समझ जाओगे पोलराइज्ड वेक्टर का बेटा क्या मतलब है, ठीक है ये क्या चीज है बेटा, ये समझ जाओगे बेटा पोलराइजेशन वेक्टर पर यूनिट वॉल्यूम, सही है, द डायपोल मूवमेंट पर यूनिट वॉल्यूम द डाइलेक्ट्रिक, डायपोल मूवमेंट पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द डाइलेक्ट्रिक, सही है। हम लोग क्या बोल सकते बेटा यहां पर, देखो n इज अ नंबर ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम, और p क्या बेटा यहां पर, p डायपोल मूवमेंट ऑफ डायपोल मूवमेंट ऑफ एटम और मॉलिक्यूल, ओके बच्चों ये क्या लिखा मैंने पोलराइजेशन, समझ लो कि यूनिट वॉल्यूम में ऐसा लिख दो बेटा यहां पर पोलराइजेशन वेक्टर को, यहां पर ऐसा लिख दे बच्चों डायपोल मूवमेंट पर यूनिट वॉल्यूम, डायपोल मूमेंट ऑफ डाइलेक्ट्रिक पर यूनिट वॉल्यूम, ये पोलराइजेशन वेक्टर, क्या बेटा ये पोलराइजेशन वेक्टर, ठीक है समझ रहे हो बेटा पोलराइजेशन वेक्टर का मतलब क्या है, डायपोल मूमेंट ऑफ डाइलेक्ट्रिक मटेरियल पर यूनिट वॉल्यूम, यूनिट वॉल्यूम में कितना डायपोल मूमेंट क्रिएट हो रहा है, दैट इज पोलराइजेशन वेक्टर,
कैसे निकालो बेटा यूनिट वॉल्यूम के अंदर कितना डायपोल मोमेंट क्रिएट हो रहा है, तो यूनिट वॉल्यूम में कितने सर नंबर ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल्स है और एक मॉलिक्यूल का कितना डायपोल मोमेंट है, तो ये निकल के आ जाए बेटा यूनिट वॉल्यूम का डायपोल मोमेंट। कैसे निकाला डायपोल मोमेंट, टोटल डायपोल मोमेंट कितना आया बेटा क्यू इंटू डी डिवाइडेड बाय वॉल्यूम टोटल, टोटल वॉल्यूम क्या आएगा ए इंटू डी डिवाइड कर दिया तो सिग्मा आई, सिग्मा इज अ इंड्यूस सरफेस चार्ज डेंसिटी। ठीक है ओके डियर स्टूडेंट्स, तो आप इसको बहुत अच्छे से बेटा प्रिपेयर कर लें, बहुत शानदार तरीके से पढ़ाया गया आपको, बहुत अच्छे से चीजें समझाई गई है। ठीक है नेक्स्ट हम पढ़ेंगे इसकी वर्किंग, पढ़ेंगे हम लोग मैथमेटिकल वर्किंग क्या है। ओके थैंक यू फॉर वॉचिंग।